नमस्कार, वेलकम बैक टू दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लांट पैथोलॉजी यानी डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड दियर मैनेजमेंट। बीएससी एग्रीकल्चर सिक्स्थ सेमेस्टर की एक बेहतरीन क्लास जिसमें आप पाएंगे 25+ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पर आधारित हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम में 4 से 10 सवाल आराम से पूछ लिए जाएंगे, तो वीडियो इम्पॉर्टेंट है, पूरा वॉच करना, नोट्स भी बना लेना। कंटिन्यू करते हैं क्लास को, पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। सो गाइस, पहला प्रश्न है कि विच फंजीसाइड इज यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ डाउनी मिल्ड्यू, यानी मृदरोमिल मिल्ड्यू कौन से कवक नाशी से नियंत्रित होती है, यानी जो डाउनी मिल्ड्यू बीमारी है ये कवक के द्वारा होती है, किस कवकनाशी का प्रयोग करने से बीमारी कंट्रोल हो जाती है। 4 ऑप्शन है, केराथेन, रेडोमिल MZ, थायरम या कैप्टान। ध्यान रहे जो केराथेन है ये सल्फर फंजीसाइड होता है। जो पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी लगती है, कौन सी बीमारी, जो बीमारी पाउडरी मिल्ड्यू लगती है उसकी रोकथाम के लिए तो केराथेन का यूज करते हैं, लेकिन हमसे पूछा गया है डाउनी मिल्ड्यू, इसकी रोकथाम के रिडोमिल का यूज करेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट है, बी ऑप्शन राइट है। जैसे यहाँ पे दिया गया मृदरोमिल यानी डाउनी मिल्ड्यू के लिए कौन सी दवा यूज करते हैं, रिडोमिल MZ। ध्यान रहे जो डाउनी मिल्ड्यू बीमारी है ये मटर के अलावा किस में लगती है, अंगूर में लगती है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि डाउनी मिल्ड्यू जो डिजीज़ है ये मटर के अलावा किस में देखने को मिलती, अंगूर में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट, इसको आप बढ़िया से याद कर लेना, ठीक है ना। अच्छा, ये भी आप जान लीजिएगा जो डाउनी मिल्ड्यू बीमारी है, जो मृदरोमिल बीमारी है, ये जो है जो मटर में लगती है और किस में लगती है, अंगूर में। अब जो अंगूर में लगती है उसका रोग कारक क्या होता है, तो रोग कारक होता है प्लाज्मोपोरा बेटिकोला। काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है ये, प्लाज्मोपोरा बेटिकोला। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपके सामने दिए गए जिनको आपको जानना ज़रूरी है। जैसे अंगूर में एक विकार लगता है, हेन एंड चिकन रोग, ये किसकी कमी से लगता है, तो बोरान की कमी से लगता है। अच्छा, एक और विकार लगता है बेरी ड्रॉप या फिर ब्लॉसम ड्रॉप, तो ये जो है परागण और फर्टिलाइजेशन में कमी के कारण लगता है। परागण और फर्टिलाइजेशन में कमी के कारण कौन सा विकार लगता है, बेरी या फिर ब्लॉसम ड्रॉप। एक है कैलिक्स एंड रॉट, जो कि कैल्शियम की कमी से देखने को मिलता है, किसमें, अंगूर में। तो अंगूर में 2 से 3 विकार और लगते हैं जिनको जानना जरूरी, एक तो हेन एंड चिकन जो कि बोरान की कमी से, दूसरा बेरी एंड ब्लॉसम ड्रॉप जो कि परागण और फर्टिलाइजेशन की कमी से, थर्ड विकार है कैलेक्स एंड रॉट जो कि कैल्शियम की कमी से होता है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि बॉर्डियक्स मिक्सचर होता है, जो बॉर्डियक्स मिक्सचर ये क्या होता है, एक बीडी साइड है, एक फंजी साइड है, एक पेस्टी साइड या फिर हार्वी साइड है। तो यार ये फंजी साइड होता है, ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी जानेंगे स्लाइड के माध्यम से। बात करी जाएगी कि बॉर्डियक्स मिक्सचर क्या है भैया, तो अभी मैंने बताया आपको एक फंजी साइड यानी कवकनाशी है। इसकी खोज किसने करी थी, इसकी खोज जो है फ्रांस के वैज्ञानिक प्रोफेसर मिलार्डेट ने करी थी। किसने, प्रोफेसर मिलार्डेट ने 1882 में करी थी, और किस बीमारी पर करी थी, तो अंगूर की बीमारी थी जिसका नाम था डाउनी मिल्ड्यू। और रोग का कारक क्या था इसका, प्लाज्मोपोरा बेटिकोला। तो इन्होंने जो है बॉर्डियक्स मिक्सचर को बनाया, जो कि बॉर्डियक्स मिक्सचर में 3 चीज़ों को इन्होंने शामिल किया, जिसमें क्या है 5 पाउंड क्या है भैया कॉपर सल्फेट है, और 5 पाउंड क्या है लाइम है,
और 50 गैलन क्या है, वाटर, जिसको अनुपात के नाम से जानते हैं, 5:5:50, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से याद कर लेना। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं मैंने, जो भी अतिरिक्त जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की, उस जानकारी को भी आप अचीव करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोसियस रस्ट, एकाश्रय किट का एक उदाहरण है। तो स्टेम रस्ट ऑफ भीट, बाजरा रस्ट, एपल रस्ट या लाइनसीड रस्ट। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये कि ऑटोसियस रस्ट का एग्जाम्पल क्या है, तो आपको बताना है लाइनसीड रस्ट, ठीक है ना। लाइनसीड रस्ट का रोग कारक क्या होता है, मिलाम स्पोरा लाइनाई होता है, जो कि एक कवक है, ठीक है। अगला प्रश्न, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले जानकारी आप जान लीजिएगा, जैसे कि एक बीमारी केला के जिसका नाम है पनामा बिल्ट, एक डिजीज है केला का जिसका नाम है पनामा बिल्ट, जो कि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम वैरायटी क्यूबेंस नामक कवक के द्वारा होता है। बीमारी दूसरी है केला की, बंची टॉप, कौन सी बीमारी है, बंची टॉप है, जो कि वायरस के द्वारा होती है, और इस वायरस को फैलाने का जो कार्य करता वो है एफिड। टमाटर की एक बीमारी होती ब्लॉसम एंड रॉट, जिसको शॉर्ट में BER के नाम से जानते हैं, ब्लॉसम एंड रॉट, जो कि कैल्शियम की कमी से होता है, इम्पॉर्टेंट है। और आलू का जो अगेती जुलसा अल्टरनेरिया सोलेनाइन नामक कवक के द्वारा, और तिल की जो फाइलोडी बीमारी है ये माइकोप्लाज्मा के द्वारा होती है, और इस माइकोप्लाज्मा को फैलाने का कार्य कौन करता है, लीफ हॉपर। इस माइकोप्लाज्मा को फैलाने का कार्य कौन करता है, लीफ हॉपर। तो एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैं आपको दे रहा हूँ उनको आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, स्क्लेरोटिया आर फाउंड इन विच फंगस, स्क्लेरोसिया किस कवक में बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्क्लेरोसिया किस कवक में बनते हैं, तो ये बनते हैं क्लेविसेप्स में। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट है, क्लेविसेप्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ, और ये प्रश्न भी काफ़ी ठीक ठाक और इम्पॉर्टेंट है कि कस्कुटा है, तो कस्कुटा भाई क्या है, टोटल स्टेम पैरासाइट है, पार्शियल स्टेम पैरासाइट है, टोटल रूट पैरासाइट है या पार्शियल रूट पैरासाइट है। तो जो कस्कुटा है ये टोटल स्टेम पैरासाइट है, ठीक है ना। अतिरिक्त जानकारी में ये टेबल भी आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है टेबल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, येलो एंड बीच ब्रोम सिम्टम्स काजड बाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करना। येलो एंड बीच ब्रोम सिम्टम्स जो हैं किसके कारण ये होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं पौधों में पीला और झाड़ी नुमा लक्षण किसके कारण होता है, तो ये जो है फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है, किसके कारण, फाइटोप्लाज्मा के कारण, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न, डैम्पिंग ऑफ डिजीज इज कॉमन इन विच फ्रूट क्रॉप, आर्द्र गलन जो रोग है ये किस फसल या फिर किस फल वृक्ष में देखने को मिलता है, तो पपाया में, ऑप्शन ए राइट है। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिएगा आप लोग। आर्द्र गलन जो डिजीज है, जो रोग है, पपीता फसल में मुख्य रूप से पाया जाता है, जो कि पिथियम एफेनिडर्मेटम नामक कवक के द्वारा होता है, इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि नर्सरी अवस्था में सबसे हानिकारक रोग कौन सा है, तो आपको बताना डैम्पिंग ऑफ डिजीज है ये पिथियम एफेनिडर्मेटम नामक कवक के द्वारा होती है, ठीक है। नेक्स्ट, सिट्रस कैंकर डिजीज नींबू में लगती है भाई, किस में लगती है, जो सिट्रस कैंकर बीमारी है ये नींबू यानी लेमन में देखने को मिलती है, जो कि एक जीवाणु जनित बीमारी है, जीवाणु का नाम क्या है, तो जैंथोमोनास सिट्राई। नींबू की जो सिट्रस कैंकर बीमारी है जीवाणु जनित है यानी बैक्टीरियल डिजीज है,
यह बीमारी जो है जैंथोमोनास सिट्राइज नामक जीवाणु के द्वारा होती है। ऑप्शन बी राइट है। एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में देख लीजिएगा, साइट्रस कैंकर जीवाणु जैंथोमोनास सिट्राई के कारण होता है। इस रोग से प्रभावित होने पर क्या पत्तियां प्रभावित होंगी, टहनियां प्रभावित होंगी और फलों को प्रभावित करता, कह सकते हैं होल प्लांट पर यह अटैक करता है। प्रभावित पत्तियां गिर जाती हैं, कच्चे फल भी गिर जाएंगे, सभी प्रकार के साइट्रस जो रोग हैं जीवाणु जनित होते हैं। तो जीवाणु जनित सिट्रस बीमारी है ये, ठीक है ना, जो सिट्रस कैंकर डिजीज है, ये बैक्टीरियल डिजीज है। अगला प्रश्न, पोटैटो सिस्ट निमेटोड आर आल्सो नोन एज, आलू का जो पोटैटो सिस्ट निमेटोड है इसको अन्य किस नाम से जानते, तो रोग का कारक पूछा गया है तो ग्लोबोडेरा रोस्टोकाइनेंसिस यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आलू के कुछ और भी रोग हैं, टेबल के माध्यम से देख लीजिएगा आप लोग, जैसे पछेती जुलसा की बात की जाए तो फाइटोपथोरा इन्फेस्टांस, इसके कारण ही जो है 1845 में आयरलैंड में दुर्भिक्ष अकाल पड़ा था, ठीक है ना। आता है कि आयरिश फेमाइन के नाम से किस बीमारी को जानते हैं, तो पछेती जुलसा को, अगेती जुलसा, अल्टरनेरिया सोलेनाई, बार डिजीज सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम नामक कवक से, ब्लैक हार्ट बीमारी, भंडारण के समय अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो ब्लैक हार्ट डिजीज देखने को मिलती है। स्कैब रोग किसके द्वारा होता है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज और ये जीवाणु जनित बीमारी है। कैसी है, जो स्कैब बीमारी है आलू की, जीवाणु जनित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक आर्म डिजीज इन कॉज्ड बाय, सबसे पहले तो यह जानना चाहिए आपको कि जो ब्लैक आर्म जो बीमारी है किस में लगती है, तो ये कपास में, जो ब्लैक आर्म डिजीज ये कपास में देखने को मिलती है। जैंथोमोनास कंपेस्टिड वैरायटी मालवी सेरम, ऑप्शन ए करेक्ट है। कुछ अन्य बीमारी देख लीजिएगा इसकी, जैसे एक बीमारी है तीरक रोग, जो तीरक रोग है पुष्पावस्था जल्दी आने के कारण बीमारी होती है। बाकी बिल्ट लगता है फ्यूजरियम मोनिलिफोरम, और विकार लगता है इसमें छोटी पत्ती जिसको बोलते हैं स्टेनोसिस, जो कि वायरल रोग है। कैसा है, वायरल डिजीज है, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा रोग भी इसके हैं, तीरक रोग, फ्यूजरियम बिल्ट और छोटी पत्ती, ये भी कपास में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, अफ्लाटॉक्सिन को कौन प्रोड्यूस करता है, तो एस्परजिलस नाइजर और एस्परजिलस फ्लेबस दो कवक हैं जो कि ये जो है अफ्लाटॉक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोल्ला डिजीज आ बीट इज कॉज्ड बाय, जो मोल्ला डिजीज है गेहूं और जौ का प्रमुख रोग माना जाता है, जो कि सिस्ट निमेटोड के द्वारा होता है, उस निमेटोड का नाम क्या है, हेट्रोडोरा अबेनी, ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे कुछ अन्य बीमारियों के नाम भी आप लोग जान सकते हो, जैसे ब्राउन डिजीज, ब्राउन या फिर लीफ रस्ट किसके द्वारा होता, पक्सिनिया रिकॉन्डिटा नामक कवक के द्वारा, पीली या फिर येलो या फिर स्टिप रस्ट ये होता पक्सिनिया स्टिफॉर्मिस नामक कवक के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज हैं जिनको आपको जानना चाहिए। अगला प्रश्न, है कि रूट नॉट निमेटोड इज, जो मूल ग्रंथि निमेटोड के द्वारा बीमारी होती वो किस निमेटोड के द्वारा होती, उसका नाम क्या है, तो मिलाडोगाइनी ऑप्शन ए करेक्ट है। रूट नॉट जो निमेटोड है मिलाडोगाइनी इंकोगेनिटा है, क्या है, जो निमेटोड है मिलाडोगानी इनकोगेनिटा है, ये किस्म रोग पैदा करता है, तो कैरस्ट का सिस्ट निमेटोड है ये, हेट्रोडोरा कैरोटी का है ये, सीरियल सिस्ट निमेटोड है जिसको बोलते हैं हेट्रोडोरा अबेनी। तो ये पॉइंट है, इनको आपको जानना है। अगला प्रश्न, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल रेसिस्टेंस ये टर्म किसने कॉइंड किया था, वर्टिकल और हॉरिजेंटल प्रतिरोधी शब्द किसने दिया था, तो ये दिया था बेंडर प्लैंक ने।
ऑप्शन सी राइट था इसका। अगला प्रश्न है, विच डिजीज इज रिलेटेड टू व्हीट क्रॉप, कौन सा रोग व्हीट क्रॉप से संबंधित है, ग्रीन ईयर, टिक्का, खैरा या फिर रस्ट। तो हम सभी लोग जानते हैं गेहूं में रस्ट तीन प्रकार की होती है, जिस ठीक है ना, गेहूं में रस्ट तीन प्रकार की लगती है, काली गेरुई, भूरी गेरुई और पीली गेरुई। तो इसका संबंध गेहूं से है। बाकी जो डाउनी मिल्ड्यू है जिसको ग्रीन ईयर बोल दिया, ये बाजरा का रोग है, टिक्का मूंगफली का रोग है, खैरा धान का रोग है। ठीक है, लीफ काइरस डिजीज ऑफ सोलेनेसियस क्रॉप स्प्रेड बाय, सोलेनोसी कुल की फसलों में जो लीफ कर्ल वायरस जनित डिजीज है उसको फैलाने का कार्य कौन करता है, विंड से फैलता है, प्लांट्स ऑफ अदर वेराइटीज, मैकेनिकल डैमेज या सकिंग पेस्ट से। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा डी, सकिंग पेस्ट। जो भी लीफ कर्ल बीमारी है वायरस के द्वारा होती है उनको सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है। इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना है, कार्बाफ्यूरान, सफ़ेद मक्खी की रोकथाम के लिए कार्बाफ्यूरान की 3 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ में प्रयोग करनी चाहिए, तो फिर ये रोग कंट्रोल हो सकता है। अगला प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि चौबटिया पेस्ट इज ए मिक्सर ऑफ, जो चौबटिया पेस्ट है ये किसका मिश्रण है, कार्पो कार्बोनेट, रेड लेड, लाइनसीड ऑयल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा, कॉपर कार्बोनेट, रेड लेड, लाइनसीड ऑयल, ये तीन चीज़ों का मिक्सचर होता है। ठीक है ना, चौबटिया पेस्ट में 800 ग्राम क्या मिलाते भैया, कॉपर कार्बोनेट, 800 ग्राम क्या मिलाते सिंदूर, और 1 लीटर अलसी का तेल मिलाते हैं, मिक्सचर तैयार हो जाता है। चौबटिया पेस्ट की खोज किसने करी थी, तो बीबी सिंह ने करी थी 1942 में, ये याद रखना आप लोग, चौबटिया पेस्ट की खोज किसने करी थी, बीबी सिंह ने करी थी। और ये मिक्सचर होता है तीन चीज़ों का, जिसमें क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट होता है, लेड होता है और अलसी का तेल। कॉपर कार्बोनेट, लेड और अलसी का तेल, ये तीन चीज़ें शामिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, धान में टुंगरू बीमारी किसके द्वारा होती है, तो हम सभी लोग जानते हैं किसके द्वारा, वायरस के द्वारा है, और इस वायरस को फैलाने का कार्य कौन करता है, तो उसका नाम है GLH, पूरा नाम क्या है, ग्रीन लीफ हॉपर, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, नेफोट्रेटिक्स वायरसेंस। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी लिविंग एंटोन डी बेरी अगस्त बर्ग, तो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी एंटोन डी बेरी, जबकि भारत में फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कौन है, तो वो है ईजी बटलर। दोनों पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, बाकी हम टेबल के माध्यम से बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आए, उनको आप अच्छे से रीड करिएगा। अगला प्रश्न है कि व्हाइट रस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट फंगल डिजीज ऑफ विच क्रॉप, जो व्हाइट रस्ट बीमारी है कवक के द्वारा होती है, कवक का नाम है एल्विगो कैडिंडा, यानी जो व्हाइट रस्ट बीमारी है एल्विगो कैडिंडा नामक कवक के द्वारा होती है, किस क्रॉप से संबंधित है, तो क्रॉप का नाम भैया क्या है, सरसों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देख लीजिएगा डिजीज का पूरा यहाँ पे ऑपरेशन दिया गया, सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे निचोड़ दिया गया, अच्छे से पढ़ लिए आप लोग इसको। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, ये हो ही चुका है फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। अगला प्रश्न है सीड ट्रीटमेंट विद बीटावैक्स मैनली कंट्रोल, जब बीज का उपचार बीटावैक्स के द्वारा किया जाता है तो किस बीमारी से निजात मिलती है, यानी किस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है, तो आंसर है लूज स्मट ऑफ भीट, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ये बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। जैसे बात करी जाएगी
कि जो गेहूं में लूज स्पॉट बीमारी होती है, गेहूं में लूज स्पॉट बीमारी का रोग कारक क्या है, पैथोजन इसका क्या है, अस्टीलागो नूडा टिट्साई। तो सीड ट्रीटमेंट करते हैं किसके द्वारा, बीटावैक्स के द्वारा करते हैं। 2.5 ग्राम मात्रा 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करना चाहिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्रॉप हमारी है ज्वार। ज्वार में एक डिजीज लगती है जिसका नाम है ग्रेन स्मट। इसका पैथोजन है स्पैसिलोथीका सोरगाई। बात करी जाएगी ज्वार की, ज्वार की एक बीमारी जिसका नाम है ग्रेन स्मट, जो कि स्पैसिलोथीका सोरगाई नामक कवक के द्वारा होती है। इसका कंट्रोल कैसे करेंगे, सीड ट्रीटमेंट विद फाइनली पाउडर्ड सल्फर। तो सल्फर के द्वारा उपचारित करके जो है इस डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला प्रश्न है कि द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। जो आलू है इसका जो अगेती झुलसा रोग लगता है ना, वो किसके कारण लगता है, तो वो लगता है अल्टरनेरिया सोलेनाई। एक्स्ट्रा फैक्टर आपके साथ में लेके आए हैं तो उनको आप टेबल के माध्यम से याद कर लीजिएगा। जैसे पछेती झुलसा रोग यहाँ पे दिया गया है, फाइटोपथोरा इन्फेस्टांस के कारण होता है। और वहीं पर अगर बात करी जाएगी कि ब्लास्ट डिजीज, यानी राई धान की एक बीमारी है जिसको बोलते हैं ब्लास्ट बीमारी, यह किसी कारण होती है, तो यह पायरिकुलेरिया ओराइजी नामक कवक के द्वारा होती है। अगला प्रश्न, विच कंट्री सफर्ड सीवियर फेमाइन ड्यू टू लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। आलू की पछेती अंगमारी के कारण किस देश में भीषण अकाल पड़ा था, तो देश था आयरलैंड। और 1845 में बीमारी आई थी आयरलैंड में, पछेती झुलसा रोग था कारण। और अंतिम प्रश्न है, UG99 इज ए डिजीज है, यानी जो UG99 एक बीमारी है वो किस क्रॉप से संबंधित है, तो गेहूं में लगती है। एक्चुअली में UG99 क्या है देख लीजिएगा, UG99 बीमारी निम्नलिखित में से गेहूं में लगती है, UG99 या गेहूं का तना या फिर काला रतुआ फंगस, यानी जो ब्लैक रस्ट है, ब्लैक रस्ट को स्टेम रस्ट के नाम से जानते हैं, इसको UG99 भी बोला जाता है, ठीक है ना। और जो ब्लैक रस्ट है ये किसके कारण होती है, पक्सेनिया ग्रेमिटिट्साई नामक कवक के द्वारा होती है, जो कि गेहूँ से संबंधित है। तो UG99 का संबंध किससे, UG99 का संबंध वेट से है। तो ये पूरे के पूरे 40 से 50 सवाल थे इस वीडियो में। वीडियो इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है, पूरा वॉच कर लेना, एग्जाम में 4 से 8-10 सवाल आराम से मिल जाएंगे। थैंक यू, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।